अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत होंगे। तो आज मैं अकेले सब काम कर रही हूँ, तो तंदूरी रोटी भी बना ली है और सालन भी बना लिया है। बाकी का जो काम करेंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। रात हमारे साथ 1 बजे बहुत ही मसाला बना, आज ही बहुत तेज चली और हल्की हल्की बारिश भी हुई, तो सुबह सहरी के टाइम मुश्किल से हमने सहरी की। अभी भी बादल बने हुए हैं, मौसम अभरा उधर बना हुआ है, खराब है, लगता है आज भी आंधी आने का खतरा है। सालन मैंने बनाकर टोकरे से नीचे रख दिया है, मक्खियों की मौसम है तो इसलिए ढाम के रखते हैं। तो आज हमारे पास आई है बाहर से दावत बड़े गोश्त, तो वो आज बना रहे हैं। ये देखिए, तो अभी अफ्तार का टाइम होने वाला है, तो अफ्तार का सामान इकट्ठा करते हैं। तो अभी अभी बाहर से दावत आई है, चावल बने हुए हैं लगता है। तो आज सताई की रात है, तो हर जगह डाकते हो रही हैं। तो साकिब के अबू भी आज दावत पर गए हुए हैं अफ्तारी पर, तो इसलिए आज मैं अकेले सब अफ्तारी कर रही हूँ। फ्रिज में मतीरा पड़ा हुआ था ना, सख्त हो गया, काट में मुश्किल आ रही है। आजकल बच्चियां जो हैं मसरूफ हैं, वो कपड़े की सिलाई कर रहे हैं। ईद के दो दिन रह गए हैं ना ईद में, तो इसलिए उन्होंने कहा आप खुद इंतज़ाम कर लें। खाना भी मैंने खुद बनाया और सब इंतज़ाम मैं खुद कर रही हूँ। मैंने तो तरबूज सारा काट लिया है अच्छी तरह, तो इसे ढांप कर रख देते हैं। तो नमक हल्का सा जब इफ्तार करेंगे तो डाल देंगे। इफ्तारी को 10 मिनट रहते हैं, तो हमारे पास स्पेशल चीज़ भी आ गई है, पकोड़े। तो इधर से काली घटा भी मगर सेट से आ गई है, तो अल्लाह खैर करे। आज 27 का रोज़ है, तू सामी मेरे वास्ते सारे वास्ते दुआ कराए, मैं भी तेरे वास्ते दुआ करेंगी वड्डा जुमे। मैंने तरबूज भी निकाल दिया है, बाकी बेटियों को दी है, चावल भी थोड़े से निकाल दिए हैं। तो खाना भी सामने हमने रखा हुआ है, खाना तो हम बाद में खाएंगे, तरबूज के साथ अफ्तारी करके, तो नमाज पढ़ कर फिर बाद में हम खाना खाते हैं। इन्हें पकड़ जाऊँ।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर पहुंच चुका हूं और बेगम साहबा जो है ना, मेरे ख्याल में इफ्तार कर ली है। थकी थकी सी लग रही है और सोने की कोशिश ना करना, क्योंकि मैं अभी देख के आया हूं बैक साइड पे थ्रेशर लग चुकी है, जो गंदम बची हुई थी ये सड़क, कच्ची सड़क के साथ। अच्छा, तो सीधी मट्टी हमारे घर की तरफ आ रही है, तो पता नहीं सारी रात ये लगी रहेगी तो रात कैसे गुजरेगी। वैसे भी बादल बने हुए हैं ऊपर, रात भी तकरीबन 1 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ आंधी का और बारिश का, और फिर सहरी के टाइम जो है ना वो भी मसला बना आग जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। फिर एक और वजह भी बनी, उधर बाथरूम में हमारी एक बेटी गई तो जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर सांप बैठा था, तो रात बहुत से ऐसे समझ लें कि मसायल हुए शुरू। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुका हूं, अफ्तार मैं एक दोस्त के यहाँ गया था क्योंकि आज बड़ा रोज़ा था। आज के दिन खसूसी जो है ना अफ्तार पे बुलाया जाता है आदमियों को, तो मुझे भी एक दोस्त ने इनवाइट किया था। साकिब और जुहेब और जीशान भी मेरे साथ ही थे, तो वो दोनों उधर चले गए हैं उनके साथ। वो थोड़ी देर दूध लेने के लिए जाना होता है जीशान को, तो वो दूध लेकर वापस आ जाएंगे थोड़ी देर तक। तो अंधेरा भी छा रहा है, हमने भी लाइट जला ली है और बैठे हैं इधर। अब चाय का मन कर रहा है मेरा, बेगम साहबा थकी हुई हैं तो मैं खुद ही कोशिश करता हूँ या आप बनाएंगी? बनाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर बाद बना लेंगे। तो बच्चा रात बहुत डर गई थी, वो शहरी के टाइम वो तो मसला बनाना सांप का, तो फिर वो हैंड पंप पर अच्छा, करने के लिए भी नहीं जा रही थी। मैं टार्च बेगम साहबा को मैंने पकड़ाई और मैं खुद भी गया उधर, वो तो भाग गया था लेकिन फौरन इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने लाइट उधर ऑन की तो उसको मालूम हो गया, वो भाग गया। इधर उधर मैंने काफी देखा लेकिन मुझे नजर नहीं आया। जब हमने शोर मचाया तो फिर भाग गया, क्योंकि अचानक उधर जाके शोर, आप जैसे भी ये सांप के ऊपर कोई भी आदमी जाए और आप लाइट जलाएं या आवाज निकालें तो वो फौरन भागने की कोशिश करता है, वो बैठेगा नहीं उधर, चाहे कोई भी सांप हो, काला हो, किसी भी वैरायटी का हो, खपरा हो या तीरकश हो, जिधर भी जितनी भी वैरायटी हमारे इलाके में है। तो अब मौसम भी आ गई है बिच्छू और सांप की, तो हम तो वैसे भी आती हैं अल्लाह के करम से, अल्लाह ताला करम करता है और हम इनके साथ ही जिंदगी गुजारते हैं, जंगल साथ में है तो वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नहा के आ गए उधर से? चलो कपड़े चेंज कर लो, और दूसरा भी आ रहा है। तो मैं भी आप सबके लिए दुआगो हूँ कि इस बड़ी रात 27 की रात को अल्लाह ताला हर किसी की परेशानियां दूर करे, जो भी किसी के मसाइल हैं अल्लाह ताला वो हल करे। आपने हमारे लिए दुआ करनी है, हम आपके लिए दुआगो हैं। तो जितने भी मेरे बहन भाई परदेश में हैं, अल्लाह ताला उनके हर दुख दर्द दूर करे और उनके जो भी मसाइल हैं वो इस नेक रात के सदके दूर करे, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला इस आखिरी अशरे के सदके, बड़ी रात के सदके उन्हें नेक औलाद से नवाजे, और जो बीमार हैं मेरे बहन भाई किधर भी तो अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज बड़ी रात है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो मजदूर भाई हैं अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, ताकि वो भी ईद की खुशियों में अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बना सकें। एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि अब 3 दिन बाकी हैं, तकरीबन 28, 29 और 30, तो सदका फितर इन 3 दिनों में मुकम्मल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मेरे बहन भाई ईद की खुशियों में जिनके पास पैसे नहीं होते तो उनके पास ये सदका फितर जाएगा, और वो भी हमारी खुशियों के साथ उनकी भी खुशियां होंगी, ईद की खुशियों में वो भी शामिल होंगे। तो आप में से जिसका भी फितराना बाकी रहता है तो वो अदा कर देना चाहिए इन 30 दिनों के अंदर। तो इस साल 250 रुपये हमारे पास तो चल रहा है, गंदम के हिसाब से 250 रुपये। तो इंशाल्लाह हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।